Hey guys, what's up? So guys, welcome back to Tech Tube Auto and welcome back to another video. तो गाइस कुछ वीडियोस पहले हमने टाटा टियागो पर वीडियो बनाई थी और उस पर ऑटो फोल्डिंग मिरर्स पे हमने आपको दिखाया था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे क्या वो टॉप एंड मॉडल में पॉसिबल है और क्या वो टिगोर में पॉसिबल है। तो गाइस आज आपके लिए हम वही वीडियो लेके आए हैं ऑटो फोल्डिंग वाली, जो कि हम दिखाने वाले हैं टाटा टिगोर में और जो कि XZO मॉडल है, यानी कि बिल्कुल टॉप एंड मॉडल है, और उसमें हम करने वाले हैं उसको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स में कन्वर्ट। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि आज मैं आया हूँ ओमकार एक्सेसरीज पर एंड आपको मैं आज मिलाता हूँ मोहित भैया से एंड उनसे मैं बातचीत करवाता हूँ कि ये कैसे लगते हैं और क्या ये जेन्युइन एक्सेसरी है या नहीं और इनका प्राइस कितना पड़ेगा आप लोगों को। सो चलिए गाइस अब चलते हैं मोहित जी के पास। तो भैया दिखा रहे थे हमें ये वाला, बताना ये देखो ये टाटा नेक्सॉन का साइड मिरर है, ये देखिए जो मेरे पास क्वांटिटी में आए हुए हैं और ये जेन्युइन साइड मिरर है 100% और 100% ब्रांड न्यू है, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी का नहीं उतरा हुआ। देख के पता लग रहा है बिल्कुल अनयूज्ड है, देख के पता लग रहा है, आप देख लीजिए अनयूज्ड है, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी का नहीं है। ठीक है सर, कैसे लगता है ये कपलर टू कपलर? बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम है, कोई वायर कटिंग नहीं, कोई वायर कटिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कुछ नहीं आएगा। और इसकी अभी कॉस्टिंग नहीं निकाली है सर, क्योंकि ये थोड़ा डिमांड पे है और पीछे से माल कम आ रहा है इसका, जो स्विफ्ट हो गई और अपनी सियाज हो गई, मारुति की जितनी गाड़ियाँ हैं, ये ब्रीजा को छोड़ के बाकी सबके 5,000 रुपये के साइड मिरर में लगा दूंगा आपको और गारंटी के साथ, और वो भी नए, कोई पुराने नहीं, कोई गाड़ी में से उतरे हुए भी नहीं, नए ब्रांड न्यू है, वारंटी है, पूरी वारंटी है, कपलर टू कपलर है, सिर्फ आपसे लेंगे 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये। आपकी LXi है उसको टॉप एंड मॉडल बना दूंगा पूरा A to Z, हेडलाइट लगाओ, ये अपना शीशे लगवाओ, कुछ भी लगवाओ, और आपकी बलिनो हो गई सिग्मा मॉडल जिसमें अंदर से एडजस्टेबल भी नहीं आता, उसमें साइड मिरर चेंज होंगे आपके दोनों, नए साइड मिरर दूंगा आपको, 7,500 रुपये लगेंगे आपके टोटल स्विच के साथ, कुछ भी नहीं। सो गाइस ये थे मोहित जी, तो आपने अभी बेसिकली बात करी मोहित जी से एंड चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ आज की जो हमारी गाड़ी होने वाली है। सो गाइस जो हमारी आज की गाड़ी होने वाली है वो है टाटा टिगोर। तो ये टाटा टिगोर का बिल्कुल टॉप एंड वेरियंट है, यानी कि XZO वेरियंट। तो ये आप कलर देख सकते हैं गाड़ी का, कितनी वेल मेंटेन गाड़ी है एंड इसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, एलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ। एंड ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी है और ये बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। सो गाइस जैसे मैं अभी को बता रहा था कि ये बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट है, इसके अंदर तब भी ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं आते, इसके अंदर कंपनी आपको एलॉयज वगैरह सब कुछ दे देती है, फॉग लैम्प सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऑटो फोल्डेबल मिरर्स ये पता नहीं टाटा ने क्यों नहीं डाले इसके अंदर, बल्कि सारी आजकल कंपनीज आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में देती ही है। तो आपको गाड़ी का पूरा एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ आगे पीछे से। आप लोगों को पता ही है कि हम ओमकार एक्सेसरीज पर आए हैं एंड गाइस ये गाड़ी पूरी कितनी वेल मेंटेन्ड है आप देख सकते हैं, कोई ये कह नहीं सकता कि ये गाड़ी 1 साल पुरानी है लगभग। तो गाइस ये है इसका लेफ्ट साइड का मिरर, इसको आपको हाथ से ही फोल्ड करना पड़ता होगा आज तक, क्योंकि इसके अंदर ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं मिलते आप लोगों को, जो कि आज इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं एंड इसे हम दोनों साइड्स में लगवाने वाले हैं। सो गाइस ये है इसका स्विच जिसे अंदर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं मिरर्स को, बस आपको ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर। सो गाइस ये है इसका इंटीरियर, तो आप लोगों को पता ही होगा ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट। सो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं एंड इसके अंदर लगाते हैं इसके ऑटो फोल्डिंग मिरर्स। सो गाइस जो सबसे पहला काम है वो है इसके इंटीरियर से इसके अंदर प्लास्टिक को हटाना, जहां इसका साइड व्यू मिरर लगा होता है एंड उसे एक बार आपने बाहर कर दिया तो उसके बाद इसके अंदर 3-4 पेच है वो आपको लूज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही इसे आप खींच पाएंगे बाहर। सो जैसे आप देख सकते हैं मोहित भैया इसी काम के अंदर अभी लगे हुए हैं एंड उसे वो बेसिकली बाहर खींचेंगे। सो गाइस जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि ये सब कुछ कपलर टू कपलर होता है और इसके अंदर कोई वायर कटिंग नहीं होती,
और एक खासकर बिल्कुल जेन्युइन एक्सेसरी है, यानी बिल्कुल टाटा की एक्सेसरी है। सो इसके अंदर हम कुछ भी वायर कटिंग नहीं करेंगे, सो बेसिकली जिससे आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं वो पेज एक एक करके लूज कर रहे हैं मोहित भैया। सो हमने इसके अंदर अभी तक कोई भी वायर कट नहीं करी है। सो जैसे आपने देखा वो आराम से बाहर आ गया, एक बार हमने पेज सारे कर लिए थे लूज। तो सो गाइस ये है उसकी वायर। सो इसी के साथ हम उसको ऑलरेडी करेंगे फिक्स। सो जो हमारे पास आता है कंपनी फिटेड वाला ही आता है। तो गाइस ये हम उसके अंदर अब फिक्स करने वाले हैं जो हमारे पास वाला मिरर है, यानी कि ऑटो फोल्डेबल वाला मिरर। सो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से ही लगाया जाएगा और इसके अंदर भी वो सेम कपलर ही यूज़ होगा, जैसे कि कोई वायर आपको कट ना करनी पड़े। और आपकी जो अगर आपके पास बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है तो उसकी बेसिकली वारंटी वॉइड ना हो, या अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है वो कितनी भी पुरानी हो चुकी हो, आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी वायर कट ना करनी पड़े हम लोगों को। सो जैसे आप देख सकते हैं हमने उसके पेच करने शुरू कर दिए हैं टाइट, और एक बार सारे पेच टाइट हो जाएंगे सो उसकी हम तार को कनेक्ट कर देंगे अंदर से, एंड वो अंदर से एक बार लगने के बाद ऑटो फोल्डेबल मिरर बन जाएगा आपकी गाड़ी के अंदर। सो ये तरीका हम दोनों साइड पर लगाएंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं मोहित भैया भी लगे हुए हैं एंड प्रॉपर सब कुछ टाइट कर रहे हैं चाबी के साथ, और एक एक करके सारे पेच टाइट करे जाते हैं, और जिससे आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ करवाया है काम इसके अंदर। और गाइस ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सारा काम कपलर टू कपलर है और सारी चीज़ें के अंदर कोई भी वायर कटिंग इन्वॉल्व नहीं है, विच इज़ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी काम करवाते हैं, चाहे बाहर से लाइटें लगवाते हैं, फॉग लैम्प लगवाते हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, आपको उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि सारा काम कपलर टू कपलर हो। तो गाइस ये अब हम आ गए हैं लेफ्ट साइड पर, और लेफ्ट साइड का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। उसके अंदर देख सकते हैं आप वो सारे पेज दोबारा लूज करे जा रहे हैं, और ऑलरेडी हमने सारा प्लास्टिक पहले ही बाहर कर लिया था। सो जैसे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे पेज आ चुके हैं बाहर, एंड इसे भी हम सेम तरीके से अगर खींचेंगे एक बारी सो वो साइड मिरर उनके हाथ में आ जाएगा। सो जैसे ही सारे पेज लूज होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब सारे पेज हो चुके हैं लूज, एंड मोहित भैया ने तभी उसको बाहर से पकड़ा हुआ है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। सो गाइस सारे पेज लूज हो गए, एंड अब उसे आप इजीली खींच सकते हैं बाहर। जैसे आप देखें अभी वो इजीली उनके हाथ में आ गया। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं वो इजीली बाहर आ गया था साइड व्यू वाला मिरर, एंड अब उसके अंदर हम वो लगा रहे हैं जिसके अंदर ऑटो फोल्डेबल वाला फीचर है। सो उसको भी ऑलमोस्ट उल्टा तरीका है जैसे उसके हम उस टाइम पेच कर रहे थे लूज, लेकिन इस टाइम हम पेच करेंगे टाइट। सो जैसे आप देख सकते हैं मोहित भी अब सारे पेज को पकड़ के टाइट कर रहे हैं एक एक करके, एंड जैसे ही सारा काम हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे फिटिंग आई है। एंड अगेन गाइस ये मैं चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ कपलर टू कपलर ही है। सो अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ लेकर आते हैं आपको उसी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपकी गाड़ी की वारंटी कभी वॉइड भी होगी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हमने कर दिया है फिक्स और प्रॉपर लग गया है लेफ्ट साइड वाला, एंड देखने में पता भी नहीं लग रहा कि वो बाहर से लगाया गया है कभी, एंड प्रॉपर कंपनी की एक्सेसरी ही लग रही है क्योंकि वो कंपनी की एक्सेसरी ही है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं अंदर से हमने उसका स्विच भी चेंज कर दिया है, एंड हम सारी चीज़ें जितनी भी हमने उसकी बाहर निकाली थी वो सारी वापस लगा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, एंड जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी अपनी गाड़ी का खुलवाया था कभी, एंड प्रॉपर फिटिंग भी आ गई है वापसी, जैसे मान लीजिए OEM में आनी चाहिए फिटिंग प्रॉपर। एवरीथिंग इज़ फिटेड एज इट शुड बी, एंड प्रॉपर सब कुछ कंपनी स्टाइल ही फिट कर दिया है वापसी भैया ने। सो जैसे आप देख सकते हैं अंदर का स्विच जो है वो प्रॉपर वर्किंग भी आएगा, एंड अगर मैं आपको गाड़ी के बाहर लेके जाऊं, सो जैसे आप देख सकते हैं दोनों साइड वाले मिरर्स अपने आप हो रहे हैं फोल्ड अंदर से। सो गाइज यू कैन सी, एंड आपने कभी कभी देखा होगा कई लोग कैसा काम करते हैं कि जैसे अंदर आप बटन को प्रेस करते हैं पहले एक खुलता है एंड देन उसके बाद दोबारा खुलना स्टार्ट होता है दूसरे वाला, लेकिन हमारे पास ऐसा केस नहीं है क्योंकि सब कुछ कंपनी की एक्सेसरी है, सब कुछ कंपनी वाला ही है, तो हमारे वो दोनों एक साथ काम करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला लेफ्ट साइड का प्रॉपर खुल रहा है एंड प्रॉपर बंद हो रहा है, एंड कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, एंड वो कहीं भी टच नहीं हो रहा बाहर डोर से। सो गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ राइट साइड पर, यानी कि ड्राइवर साइड पर, और देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है और ये कहीं भी टच नहीं हो रहा दरवाजे के साथ ना ही खिड़की के साथ, एंड ये इजीली अंदर बंद, एंड देन ऑफकोर्स वापसी खुल भी रहा है और प्रॉपर कलर के साथ मैचिंग भी है ये, ताकि आपको कभी दिक्कत भी ना आए आगे, एंड आपकी गाड़ी ऑफ कोर्स टॉप एंड ही रहे तो वो टॉप एंड ही बन के रह पाए आगे भी।
तो गाइस जैसे अभी आपने देखा, हमने टाटा टैगोर के टॉप एंड वेरिएंट को ऑटो फोल्डिंग मिरर्स वाली गाड़ी में बेसिकली कन्वर्ट किया, जिसके अंदर आपको ये वाला फीचर नहीं मिलता। एंड इसके अंदर हमने इसे कन्वर्ट किया स्विच को चेंज करके, एंड इसके अंदर कोई भी वायर बिना कट करे, और साथ में सारी वायरिंग कपलर टू कपलर है, और आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी जिससे कि। और अगर आपके पास ब्रांड न्यू गाड़ी है तो आपको टेंशन भी लेने की नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। तो गाइस ये आप अपनी किसी भी गाड़ी में, यानी कि टाटा टियागो या टाटा टैगोर के किसी भी वेरिएंट में करवा सकते हैं, चाहे वो XM हो चाहे वो XZ हो। यानी कि आप अगर आप बेस वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, उसे आप ऑटो फोल्डेबल मिरर्स वाले फीचर यहाँ पर आके बेसिकली डलवा सकते हैं, एंड वो यहाँ पर आके आप डलवा सकते हैं मोहित भैया के पास। तो गाइस अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी में, जैसे कि मान लीजिए स्विफ्ट, डिज़ायर, बलेनो, टाटा टियागो, क्रेटा वगैरह जैसी गाड़ियों में अगर आप ये फीचर डलवाना चाहते हैं, यानी कि ऑटो फोल्डिंग वाला मिरर्स, तो गाइस आपने आना है ओमकार एक्सेसरीज़ पर, यानी कि मोहित भैया के पास। एंड आपको वहाँ प्रॉपर बिल्कुल अच्छा प्राइस देंगे, एंड वहाँ टेक्ट्यूब को मेंशन करके आएंगे तो आपको वहाँ और डिस्काउंट भी दिया जाएगा साथ में। सो गाइस उनकी मैं सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और गाइस प्राइस के लिए आप उन्हें डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। सर आपको शालीमार बाग में आना है, और बिल्कुल शालीमार बाग में मेरी कोठी के बराबर में DT मॉल है, DT मॉल के अगली कोठी मेरी है, उसी में शॉप है मेरी, बिल्कुल इजी है, AM192 है कोठी नंबर। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।